नमस्कार, मैं गोविंद जोशी। आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आईपीएल के 38वें मैच में हार्दिक की मुंबई का मुकाबला सैमसन की राजस्थान से होगा। यह मैच राजस्थान के घर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का इस सीजन एक बार आमना सामना हो चुका है, जिसको राजस्थान की टीम ने जीता था। एक तरफ राजस्थान की टीम है, जिसको कोई भी टीम नहीं रोक पा रही है, जो कि आईपीएल के टॉप पर है और अपने पिछले दो मैच जीतकर आ रही है। तो वहीं उसके सामने मुंबई की टीम होगी, जो कि पंजाब को उसके घर में हराकर आ रही है। तो वहीं दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। अगर बात करें पिच और मैदान की, तो राजस्थान का विकेट बल्लेबाजों को खूब रास आता है। हालांकि यहाँ के विकेट पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, खासकर तब जब गेम अपने शुरुआती पलों में होता है। यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मूवमेंट भी देखने को मिलती है, लेकिन जब यहाँ पिछला मैच खेला गया, जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच हुआ था, तो यह मुकाबला काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा था। और अगर मैदान के बाउंड्री साइज़ की बात की जाए, तो मैदान की एक तरफ की बाउंड्री बहुत छोटी है, तो वहीं सामने की बाउंड्री लगभग 80 मीटर की है। तो अब देखना होगा कि किस तरह का मैच इन दोनों ही टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो दोनों ही टीमों में कुछ ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर यहाँ आ रही हैं। मुंबई की बात करें तो ईशान किशन और रोहित शर्मा एक अच्छा शुरुआत दिलाने को देखेंगे। हालांकि सबकी नज़रें कप्तान पांड्या पर होने वाली हैं, क्योंकि पांड्या का बल्लेबाजी का फॉर्म बहुत ही ख़राब है। टीम की गेंदबाजी की कमान कोइट्ज़े, बुमराह, आकाश मडवाल और नबी के हाथों में होगी। मुंबई की टीम की बल्लेबाजी बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। बात करें अगर राजस्थान की टीम की, तो राजस्थान की टीम पूरी बल्लेबाजी अच्छे फॉर्म में है, खासकर जॉस बटलर, जो कि रेड हॉट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। हालांकि टीम ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल के फॉर्म से थोड़ा परेशान है। ये दोनों ही खिलाड़ियों का अभी तक का सीज़न कुछ भी खास नहीं गया है। टीम की गेंदबाजी की बात करें, तो टीम की गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल और अश्विन, जिनके हाथों में गेंदबाजी की कमान होगी। दोनों ही टीमों के इस सीज़न के अभी तक के सफ़र की बात करें, तो राजस्थान की टीम ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें 6 मैच जीतकर टॉप पर है वो। तो वहीं मुंबई की टीम की बात की जाए, तो मुंबई ने 7 मैच में से 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की जाए, तो दोनों ही टीमों ने अब तक 29 मैच एक दूसरे के सामने खेले हैं, जिसमें 13 मैच राजस्थान द्वारा जीते गए हैं। वहीं 15 मैच मुंबई की टीम ने अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है। इसी तरीके की तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट्स के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।